गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मो फ्यूचर और मैं हूँ राजश्री। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सनस्क्रीन। तो गाइस जैसे आपको पता ही है कि समर्स चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, तो मैंने एक सनस्क्रीन ट्राई की, तो मैं उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने देखी कि आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपने जो मैं सनस्क्रीन आपसे शेयर करने वाली हूँ अगर आपने वो सनस्क्रीन तक यूज़ नहीं की है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वो सनस्क्रीन क्यों नहीं लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट, मतलब कि एक ऑनेस्ट जो रिव्यू होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैं आपको वो कंप्लीट बता दूंगी। तो इसलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो इस तरीके की पसंद आती है, अगर आपको हॉल वीडियो देखने अच्छा लगता है जो आजकल मैं ज़्यादा डालती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो आज की मेरे अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर गाइज आपको किसी भी तरीके की वीडियोज़ चाहिए, अगर आपको चाहिए कि मैं अपना एक मेकअप कलेक्शन जो है वो आपके साथ शेयर करूँ, जैसे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लिपस्टिक्स हैं, तो अगर मैं उनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो अगर आप उस तरीके की वीडियोज़ चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब करते हैं वीडियो को। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो सनस्क्रीन शेयर करने वाली हूँ वो है मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। तो गाइस अगर आपने ये अभी तक यूज़ नहीं की है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि मैं इसके कुछ चीज़ें बताऊँगी जो मुझे अच्छी लगी और जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी हैं। तो गाइस सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको इस तरीके की पैकेजिंग में मिलेगी। आपको पता है कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इनकी जो सनस्क्रीन वगैरह है ये अभी ही आई है, लेकिन अभी मीन्स काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, बट मैंने इसको अभी ही ट्राई किया तो मेरे को लगा कि वैसे इसका रिव्यू जो है वो शेयर कर देती हूँ। ये है विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन विद विटामिन सी एंड टर्मरिक, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए। जैसे समर्स में ना काफ़ी ज़्यादा हमें हमारी स्किन जो है वो ऑयली होती है, तो उसमें से क्या होता है कि हमारे फेस पे एक्ने वगैरह के भी चांस होते हैं, तो इससे टर्मरिक जो है, विटामिन सी जो है, वो हमारी स्किन को एक्ने और जो ऑयल है गाइज वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है मेनली। और गाइज ये है SPF 50, ठीक है, तो ये है मेड सेफ पिंस। आपको पता है मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स किस तरीके के होते हैं, और ये है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सूट्स ऑल स्किन टाइप। तो गाइज जो ये लिखा है इन्होंने सूट ऑल स्किन टाइप, तो गाइज ये हर एक स्किन टाइप को सूट नहीं करता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस स्किन टाइप को ये सूट करेगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका जो प्राइस है, तो प्राइस है इसका 319 जो MRP है, तो आई थिंक आपको अगर किसी भी साइट से लेंगे तो आपको ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम और इसका कुछ प्राइस है वो काफ़ी अच्छा प्राइस है। बात अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह, ठीक है। अब तक गाइस मैंने कोई भी सनस्क्रीन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं कोई भी मेरी उसमें फेस पे कुछ भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैंने कोई भी फेस में मेकअप वगैरह कोई भी अप्लाई नहीं किया है, मेरी स्किन एक्चुअल स्किन है, ठीक है। अब मैं उसके पहले आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। तो गाइस कंसिस्टेंसी आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी, ठीक है, मैं फेस पे अप्लाई करके भी दिखाऊंगी आपको। ये आपको इस तरीके मिलेगी, थोड़ा सा व्हाइटिश में टच भी आएगा इसका, मतलब कि जो बिल्कुल वाइट कास्ट तो नहीं होगा, फेस पे इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हैं कि, ठीक है। और गाइस थोड़ा सा एक ग्लो भी प्रोवाइड करता है, लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो मैं बताती हूँ। बाकी आप देख लो कि बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया और स्किन जो है वो बिल्कुल शाइनिंग जो है वो लुक दे रही है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल भी नहीं और यहाँ डिफरेंस आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये है इस तरीके की। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैं फेस पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको, बिल्कुल थोड़ी सी ही लूँगी, ठीक है, ये बिल्कुल मैंने थोड़ी सी ली है। अब मैं इसको बिल्कुल फेस पे आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं इसको आपके सामने अप्लाई कर रही हूँ, तो गाइज ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके की आपको जब आप इसको यूज़ करेंगे इस तरीके की आपको ये लगेगी। गाइज ग्लोइंग फेस तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये स्मूथ भी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन गाइज ये ऑयली स्किन के लिए और समर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसको ना लगाने के बाद इतना ऑयली सा टच लग रहा है। गाइज ये ना शाइनिंग भी है लेकिन ये ना ऑयली है, एब्जॉर्ब नहीं हुई है। जैसे अभी का जो मौसम चल रहा है आपको पता ही है कि जून का जो मंथ और गर्मी और काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसीलिए समर्स में ना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये ना बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही और काफ़ी ज़्यादा ऑयली है
और स्टिकी भी है। इसके लगाने के बाद ना फेस पे ना थोड़े टाइम के बाद ना स्वेटिंग आ जाएगी, इसलिए गाइज ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरीके अगर सनस्क्रीन है तो इस तरीके की इनको बनानी चाहिए थी कि आप इसको यूज़ कर सके समर्स में, पर ये समर्स के लिए अच्छी नहीं है। आप इसको विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, विंटर्स में बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि विंटर्स में हमें चाहिए होता है कि सनस्क्रीन भी चाहिए होती है और उसके साथ साथ हमें चाहिए होता है कि हम थोड़ा सा हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट और थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता ही कि समर्स में और जो विंटर्स में क्या हमारी स्किन जो है वो कैसी रहती है, तो उस हिसाब से ये विंटर्स में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको मैं गाइस अभी इसको यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसको मैं यूज़ करूँगी विंटर्स में, मैं इसको रख दूंगी, अभी मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। अब आप देखोगे, देखो इसके बाद भी ना ये गाइस एब्जॉर्ब नहीं हुई, आप देखो यहाँ से मेरा फेस कितना ऑयली सा लग रहा है और उसके बाद ना गाइस ये ना बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये आप देखो, और काफ़ी ज़्यादा ना मेरे को थोड़ी थोड़ी ना यहाँ यहाँ पे इस यहाँ पे पार्ट पे स्वेटिंग सी आ रही है मेरे को, मतलब मीन्स कि इसको यूज़ करने के बाद ना आपका फेस बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाएगी और एक्ने होने के चांस हो सकते हैं, इसलिए आप इसको समर्स में मत यूज़ करें। आप कर सकते हैं इसको मार्च अप्रैल में यूज़ कर सकते हैं, बट उसके बाद की जो समर्स होता है आपको पता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, उस टाइम पर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी माइल्ड है, काफ़ी अच्छी है, अकॉर्डिंग टू प्राइस भी अच्छी है, बट अगर उसके बाद स्वेटिंग होने लगेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको लेके। ऐसे इसका टेक्सचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर अगर फेस पे ऑयल आएगा और जा तो फेस पे जो अगर स्वेटिंग होगी तो बिल्कुल ना गिर जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे बिल्कुल भी अच्छा, आपके साथ मैंने और भी बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन शेयर की है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी से एकोलॉजिकल की मैंने सनस्क्रीन आपको शेयर की थी और भी मैंने सनस्क्रीन शेयर की थी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस तरीके की सनस्क्रीन या फिर वीडियो जो है वो चाहिए, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको मेरी जो ये वीडियो है गाइज अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, क्योंकि जो मैंने चीज़ें फेस की इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर ली, ठीक है। तो अब गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।